हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 1 क्लास 3 सब्जेक्ट SST। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 है कि नेम एनी टू स्पोर्ट पर्सन्स एंड द गेम्स दे आर एसोसिएटेड विद। ये हमें क्या बताना है, स्पोर्ट जो कि गेम खेलते हैं, ऐसे दो लोगों के नाम और वो कौन कौन से गेम खेलते हैं उनके नाम आपको बताना है। स्पोर्ट पर्सन के नेम देखिए, सचिन तेंदुलकर वो कौन सा गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और जो विश्वनाथ आनंद है वो कौन सा गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी रिलैक्स अवर बॉडी। हम हमारी बॉडी को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। वी कैन रिलैक्स अवर बॉडी बाय रीड, प्ले, ड्रॉ, वॉच टेलीविजन और गो फॉर पिकनिक्स एंड आउटिंग विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम हमारी बॉडी को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाकर के, पिकनिक्स पर जाकर के, टेलीविजन को साथ साथ देखें, ड्रॉ करें, प्ले खेलें और बुक्स को पढ़ें, तो जो हमारी बॉडी है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, उसको आराम मिल जाता है। व्हाट इज चाइल्ड लेबर। स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर क्या होता है। चाइल्ड लेबर मीन्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन वर्क। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, हम उनसे काम नहीं करा सकते। यदि हम उनसे काम कराते हैं, इन्वॉल्व करते हैं काम करने में, तो वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल। स्पेशल जो पीपल होते हैं उनकी हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए। स्पेशल पीपल क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है बीइंग पोलाइट विद देम, हम उनके साथ नम्रता से व्यवहार करें। नंबर 2, वी कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डीफ एंड डम पीपल। जो बहरे और गूंगे लोग हैं उनके साथ एक जो लैंग्वेज होती है जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, उसमें हम उनके साथ बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी नीड ए हाउस। स्टूडेंट्स, एक घर की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर है कि वी नीड ए हाउस बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशंस, वाइल्ड एनिमल्स एंड इंट्रूडर्स। एक जो घर है वो हमारी किस किस से रक्षा करते हैं, जब मौसम खराब हो जाता है, जंगली जानवर होते हैं या इंट्रूडर्स यानी कि चोर, बाहरी उपद्रव जो होते हैं, उनसे हमारी घर रक्षा करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसे लर्न करना है और इसे कॉपी के अंदर आपको लिखना है। थैंक यू।